पानी की भी सुविधा नहीं है और छाया की भी सुविधा नहीं है। छाया की सुविधा नहीं है यार। देखो यार दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मतलब जितनी ज्यादा पब्लिक को पता चलेगा ना, तभी इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। सही है ना ये बात? मतलब अभी एक जैसे मैं बोला आप बोला, मतलब इनसे ज्यादा थोड़ा ना होगा, मतलब ज्यादा लोग एक साथ खड़े होंगे ना जब इस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट कराए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से और वीडियो, दोस्तों मेरे को लगता है ये वीडियो यही एंड करना चाहिए, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। एक बार अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। अच्छा, जोधपुर भोपाल में और मरुधर में उधर खड़े ही नहीं रह सकते, ऐसी धूप है। तो अच्छा दोस्तों, हमें इस समस्या के बारे में पता चला है, इसको है ना पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा फैलाना है आपको। ये ग्रेंड्स में यहाँ पर खड़ा था तो एकदम से जो ये अंकल जी है, इन्होंने मेरे को एक समस्या बताई है, आप इस पर गौर करिएगा। जी अंकल जी, क्या समस्या? जैसे की समस्या तो यही है, मुसाफिर धूप में खड़े हैं, देख लो ये समस्या। तीन सेट लगना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ? तीन सेट लगना चाहिए ना। अच्छा, तीन सेट लगना चाहिए, मतलब ये ऐसे की यहाँ, मतलब जो इस साइड है ना, इस साइड तो मतलब बहुत सारी है, जैसे कि जो छाया के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन जो इधर इस साइड देख सकते हैं ना, तो यार देख सकते हैं कितने धूप के अंदर, जैसे कितनी गर्मी पड़ रही है, तो धूप के अंदर लोग यहाँ खड़े हैं, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। और वहाँ पर जो एसी कोच होती है जो जनरल के लिए होती है, वहाँ पर उनके लिए अलग है, जबकि यहाँ पर अलग है। नहीं कोई कोई साधन खड़ा रहने का, जनरल कोच जहाँ आते हैं वहाँ धूप ही धूप रहती है, आगे पीछे को एक छप्पर ही है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों सबको इक्वल परेशानी होती है, सबको मतलब इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है। जनरल के लिए अलग है, और ये जो है कि बिना एसी कोच में बैठते उनके लिए अलग उठेंगे। मुझे लगता है ट्रेन आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, एक बार अंदर ट्रेन के अंदर चल के आते हैं। ठीक है ना यार, ये कोई मालगाड़ी है? नहीं नहीं, क्या बोलते इसको, कौन सी गाड़ी बोलते? इस सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी, ठीक है सवारी गाड़ी आ रही है भाई, सवारी गाड़ी। डिब्बे में अलग अलग टीटी होता है क्या? अलग अलग नहीं यार। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। मिला के बाद भीड़ पर आ रही है यार। क्या बात है? क्या बात है? जी बिल्कुल, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। यस नहीं, अब आएगा वीडियो, एवी व्लॉग्स, एवी व्लॉग्स यूट्यूब पर। जी थैंक यू अंकल। वाला था ना कि जो सिंपल सादा लोगों के लिए तो मतलब है, ये वाला है प्लेटफॉर्म, और जो एसी कोच के लिए वो वाला है। वैसे एसी कोच यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, एक बार अंदर देख के आते हैं। क्या हुआ? यार ये मेरे को तो देखो बाथरूम दिखा है और कुछ नहीं दिखा, देख लो एक बार। चल लो कैमरा, ये देखो एसी कोच के अंदर या ट्रेन के अंदर या लाइट झुकी है, चलो इसे बाहर निकल ले। निकलो निकलो यार, दूसरी जगह चलते, आगे चलो आगे आगे यार। ट्रेन के अंदर फर्स्ट बार घुस रहा हूँ यार, मतलब यार मतलब मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ जयपुर में, इस ट्रेन में नहीं बैठा हुआ यार। इनके डिब्बे बंद क्यों हैं मेरे को समझ नहीं आ रहे? ऐसे डिब्बे है ना? हाँ, इसलिए बंद है। क्या बग्गी कैसे जा रहे भैया? यार ट्रेन चल रही हो गई, ट्रेन के अंदर बैठू क्या यार, मेरा मन कर रहा है यार। ये तो बंद है क्या इधर से? इसके अंदर दो मिनट खड़ो जो। ये दोस्तों चलो, टाटा टाटा, एवी व्लॉग से उठा अभी पड़ जाता ना यार। ट्रेन निकल चुकी है यार, मेरी ट्रेन। अभी बताया मेरे को है ना झटका क्यों लगा, ये साइंस की वजह से झटका लगा यार, मतलब पीछे नहीं आगे मुंह करके उतरना होता है। नहीं देखो, अभी देखना तो एक बार ट्रेन की, इनके रिपब्लिक रिएक्शन देख लो एक बार इधर से। तो यही हमारा वीडियो एंड करते हैं, और हमारे जो लोकेशन जो मकराना का जो क्या बोलते मकराना जंक्शन का हमारा वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद जय भारत, फिर से मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर।